हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज पीडिया। और यार फाइनली मार्वल की लेटेस्ट सीरीज मिस मार्वल अब खत्म हो चुकी है और इस पूरी सीरीज ने मुझे इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं किया जितना बस इसके एक लास्ट में एक लाइन और इसके एक एंड क्रेडिट सीन ने कर दिया। तो इस वीडियो में हम पूरे के पूरे एपिसोड की नहीं बल्कि सिर्फ उन दो मैजिकल मोमेंट्स की ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर उस जादुई लाइन की बात की जाए जिसने मेरे दिल को तार तार कर दिया, तो यार लास्ट में जब ब्रूनो कुमाला को ये कहता है कि तुम अपनी सारी फैमिली से अलग हो, तुम्हारे जीन्स में कुछ म्यूटेशन टाइप सा है, तो यार ये सुनकर तो मैं क्या बल्कि सभी मार्वल फैंस को लिटरली गूज़बम्प्स ही आ गए। अब अगर आप एक कट्टर मार्वल फैन हो तो आप समझ गए होंगे कि हमें किस चीज का रेफरेंस मिल रहा है, पर अगर नहीं तो यार इसका कनेक्शन एक्समैन यूनिवर्स से हो रहा है। और ब्रूनो के ये बात कहते ही वो म्यूटेशन वाला बैकग्राउंड म्यूजिक तो ये बात कन्फर्म ही कर गया कि हाँ ये उन्हीं म्यूटेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि एमसीयू के यूनिवर्स में पहली बार इस वर्ड का यूज किया गया है, पर हम इस बात को भी जुटा नहीं सकते हैं कि एमसीयू के मेन यूनिवर्स में कमाला ही फर्स्ट म्यूटेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे इनह्यूमन से क्यों नहीं कनेक्ट किया गया, तो यार शायद इसके पीछे एक रीजन हो सकता है कि वो सीरीज उतनी ज्यादा कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, इसलिए इसे उससे कनेक्ट नहीं किया गया। और वैसे भी यार ये एमसीयू है, मतलब ये कोई भी काम ऐसे ही हवा में नहीं करता है, मतलब शायद जल्दी आने वाले सैनडियागो कॉमिक कॉन में मार्वल जरूर हमारे लिए इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और अगर बात करें इसके एंड क्रेडिट सीन की, तो यार लास्ट में जब कमाला अपने कड़े को देख रही होती है और उसमें कुछ लाइट सी जलती है और उसके बाद वो सीधा दीवार में घुस जाती है और पता है उसके बाद उसकी जगह कौन बाहर आता है, तो यार कमाला के साथ ये सीन होते ही कैप्टन मार्वल उससे स्विच हो जाती है। और यार नई कॉस्ट्यूम, लंबे बाल, यार ब्री लार्सन तो सच में इस बार बहुत ही ज्यादा कमाल लग रही थी। अब पहले तो हमें ये लग रहा था कि शायद ये कोई कमाला की शेप शिफ्टिंग पावर है क्योंकि कॉमिक्स में उसने पहले भी ये सब किया है, पर जब कैप्टन मार्वल घूर घूर कर उस रूम को देखती है और उसके बाद जब वो नो नो कहकर भागती है, तो ये हमें पता चल जाता है कि हाँ ये असली है, ये हम सबकी फेवरेट कैप्टन मार्वल ही है। मतलब शायद कैप्टन मार्वल स्पेस में किसी एलियन की पिटाई कर रही होगी और तभी स्पेस से सीधा वो कमाला की रूम में टेलीपोर्ट हो जाती है, और शायद ये सीन आने वाली मूवी द मार्वल से कनेक्ट होगा। पर यार पूरी सीरीज देख ली और एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि यार ये कड़ा आखिर है क्या भला, जो कि टाइम ट्रेवल से लेकर टेलीपोर्टेशन तक हर चीज कर लेता है, और इस सीरीज में भी कुछ खास इसके बारे में नहीं बताया गया, 6 के 6 एपिसोड्स निकाल दिए। पर शायद इस कड़े के बारे में हमें इसके सीजन 2 या फिर अपकमिंग मूवी द मार्वल्स में बता दिया जाए। अब तब तक के लिए तो हम अपने इमेजिनेशंस के समंदर में ही गोते लगा सकते हैं। पर यार अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो मुझे कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पर जरूर बताएं, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगा। पर तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।